हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हिमाचल दर्पण के लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमने अभी 4.7 इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें हमने ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो 1927 में बनी और जो लुधियाना कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में, फिर जो पहली प्रजामंडल सिरमौर में बनी उसके बारे में, बुशहर प्रजामंडल जो सत्यदेव बुशहरी की अध्यक्षता में बनी, चंबा सेवक संघ, मंडी प्रजामंडल जो दूसरी प्रजामंडल थी, इसके अलावा धामी प्रजामंडल और धामी प्रेम प्रचारणी सभा, धामी गोली कांड, इसके अलावा शिमला हिल स्टेट रियासती प्रजामंडल जिसको हिमालयी रियासती प्रजामंडल भी कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम जो है वो 11वां पॉइंट जो है इसमें प्रजामंडल आंदोलन में, जिससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो बाद में इसमें से टूट के हिमाचल हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल जो बनी उसके बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो प्रतिनिधि सरकारें हैं एस्टेब्लिश हुई आजादी के बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल की। 1945 अच्छा जो पहला अधिवेशन ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का 1927 में बंबई में हुआ, उसके बाद अधिवेशन होते गए लुधियाना, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा यहाँ पे 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और फिर 1945 में इसका उदयपुर अधिवेशन हुआ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अधिवेशन के पश्चात जो है वहां पर पहाड़ी रास्तों में किए गए प्रजामंडल के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र के प्रजामंडल को सुचारू चलाने के लिए, मतलब जो मेन है जैसे 1939 का जो प्रजामंडल गठित हुआ लुधियाना में, उसके बाद यहाँ पे प्रजामंडलों के गठन जो हुआ वो तेजी से हुआ, लेकिन जो ये आपका ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो उदयपुर अधिवेशन हुआ उसके बाद हिमाचल में जनवरी 1946 में हिमाचल हिल स्टेट रीजनल काउंसिल नाम की संस्था का गठन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उदयपुर अधिवेशन के बाद, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, स्वामी पूर्णानंद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अध्यक्ष कौन थे इसके, ये अच्छा कार्यालय उनका मंडी में था, पदमदेव जो थे उनके मुख्य सचिव बनाए गए, उनका कार्यालय शिमला में रखा गया। इसके अलावा श्यामचंद नेगी उपप्रधान, शिवानंद रमोल संयुक्त सचिव बनाए गए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का पहला अधिवेशन सम्मेलन कब हुआ, तो ये 8 से 10 मार्च 1946 को हुआ, और कहां पर हुआ, मंडी में हुआ, ठीक है। और इसमें आजाद हिंद फौज के जीसी ढिल्लो, गुरदयाल सिंह ढिल्लो भी मंडी पहुंचे थे। तो आप बात करते हैं काउंसिल के प्रधान स्वामी पूर्णानंद, महामंत्री पदमदेव, संयुक्त सचिव शिवानंद रमोल के अतिरिक्त सुकेत, मंडी, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा, नालागढ़, बगाड़, शिमला की पहाड़ी रियासतों ने इस अधिवेशन में सक्रिय रूप से भाग लिया, और इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए 31 अगस्त और 1 सितंबर 1946 को के लिए इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए आजाद हिंद फौज के सुप्रसिद्ध सेनानी कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो भी जो थे वो मंडी पहुंचे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी जीके का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। इसके बाद बात करते हैं 31 अगस्त और 1 सितंबर 1946 को हिमालयन हिल स्टेट जो रीजनल काउंसिल है उसका सम्मेलन जो है वो नाहन में हुआ। पहला सम्मेलन उसका मंडी में हुआ, फिर जो है वो नाहन में हुआ। इस सम्मेलन में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो है पट्टाभी सीतारामैया, जय नारायण व्यास महामंत्री, कर्नल शाहनवाज, दुनीचंद अंबावाली आदि ने जो है वो पहाड़ी रियासतों के 40 से अधिक प्रतिनिधि जो है इसमें उपस्थित हुए। प्रजामंडल सिरमौर के नेता राजेंद्र दत्त, शिवानंद रमोल, देवेंद्र सिंह, हितेंद्र सिंह, धर्म नारायण, हरिचंद पादा और उनके सहयोगियों ने जो है आनंदर जो है इस सम्मेलन में सिरमौर रियासत में जो अभूतपूर्व जागृति हुई है जिससे रियासत सरकार की जड़ हिल गई उसके बारे में बताया। इसी काल में चिरंजी लाल ने जो है वो शांगरी जाकर वहां बेगार के विरुद्ध जो है वो आंदोलन शुरू किया। इसी वर्ष ज्ञानचंद टूटू ने कोहिचंद प्रजामंडल का जो है वो गठन किया था। नवंबर 1946 में सत्यदेव बुशहरी ने बुशहर प्रजामंडल के जो है वो प्रधान बने, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसी काल में भागमल सोटा ने जो है वो जुब्बल प्रजामंडल का गठन किया। तो बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी बुशहर प्रजामंडल की बात की जाएगी तो सत्यदेव बुशहरी, जुब्बल की बात की जाएगी तो भागमल सोटा, ठीक है, कोहिस्तान जो है वो ज्ञानचंद टूटू, ठीक है, तो जयलाल शकरोली, मास्टर राम रतन सिंह, मियां कहान सिंह आदि ने इस आंदोलन में भाग लिया। बलसन रियासत में तो जो है वो उग्र रूप ले लिया था इस आंदोलन ने। तो ये सारी जो है वो हम जो है हिमालयन हिल स्टेट रीजन काउंसिल की बात कर रहे हैं, जिसका पहला अधिवेशन मंडी में और दूसरा जो है वो नाहन में आयोजित किया। पहले में जो थे वो जीसी ढिल्लो आए थे,
ठीक है। फरवरी 1947 में भज्जी के लीला दास वर्मा, बिलासपुर में कांशीराम उपाध्याय, प्रजामंडल के कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने जो है वो YS परमार जो थे उस समय दिल्ली में रहते थे तो उनके पास गए और उनको शिमला आमंत्रित किया और लेके भी आए। शिमला में पंडित पदमदेव, शिवानंद रमोल, दौलतराम संख्यान और अन्य लोगों के आग्रह पे YS परमार ने जो है वो जो स्वाधीनता आंदोलन है उसमें शामिल होना स्वीकार कर लिया। उन्होंने शिमला के निकट जो है संजोली में कृष्ण वीला लॉज वहां पे रहना शुरू कर दिया YS परमार ने, और वहीं पर संजोली के लीलादास वर्मा ने प्रजामंडल का जो है वो कार्यालय भी खोला। इसी के साथ ही YS परमार ने स्थायी रूप से राजनीति में पदार्पण किया और पहाड़ी रियासतों के आंदोलन के नेतृत्व करना जो है वो शुरू कर दिया। अच्छा, फिर 1 मार्च 1947 को ये हिमालयन हिल स्टेट रीजन काउंसिल की बैठक शिमला में हुई, इससे पहले नाहन में, और सबसे पहले जो थी वो मंडी में हुई थी। इस बैठक में जो है पदाधिकारियों का चुनाव हुआ। अब जो है वो चुनाव किसका किया गया, डॉक्टर YS परमार को अब प्रधान चुन लिया गया, पंडित पदमदेव को महामंत्री नियुक्त किया गया। और अप्रैल 1947 में डॉक्टर परमार ने दिल्ली से दौलतराम संख्यान, नरोत्तम शास्त्री, लीलादास वर्मा, शिवानंद रमोल आदि के साथ कांग्रेस के ग्वालियर अधिवेशन में भाग लेने के लिए गए। तो कहने का मतलब है स्वामी पूर्णानंद जो थे वो पहले जो थे वो अध्यक्ष चुने गए, जो हमारा जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल हुई। लेकिन फिर जो 47 में जो सम्मेलन हुआ शिमला में 1 मार्च 1947 को, तो वहां पे YS परमार को जो है इसका अध्यक्ष चुन लिया गया, पदमदेव जो थे महामंत्री थे। अब क्या होता है, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, सब रीजनल काउंसिल का गठन होता है। 10 जून 1947 को हिमालयन हिल स्टेट जो है रीजनल काउंसिल की एक और बैठक जो है शिमला के रॉयल होटल में हुई। ये हमें मार्च में बैठक हुई, उसमें चुन लिया गया, जून में फिर बैठक हुई, शिमला में ही हुई। इसमें 16 में से 11 सदस्य जो थे वो उपस्थित थे, लेकिन जो 11 सदस्य थे इनमें मतभेद पैदा हो गए। मतभेद आप देख सकते हैं, सत्यदेव बुशहरी, भागमल सौठा, जुब्बल बुशहर, साथ ही साथ जो पहले अध्यक्ष थे स्वामी पूर्णानंद, ये इन लोगों ये अलग, ये मतलब हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल में रहे, रीजनल काउंसिल में, और जो बाद के जो नए जो बने थे उन्होंने सब रीजनल काउंसिल बना ली। तो अब आप आगे देखेंगे, 16 में से 11 सदस्यों ने बैठक में भाग लिया। इस बैठक में सदस्यों में मतभेद पैदा हो गए। जो 6 सदस्य थे, 11 में से 6 सदस्यों ने जो है वो अलग संगठन बना लिया और इस संगठन का नाम रखा गया हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल। कौन कौन थे ये 6 सदस्य, और 5 जो रह गए थे वो इसी में रहे पुरानी संस्था में। YS परमार इसके अध्यक्ष थे, सब रीजनल, पहले तो रीजनल काउंसिल के भी अध्यक्ष थे हिमालयन हिल स्टेट रीजन काउंसिल के, और सब रीजनल काउंसिल जो अलग कर बनाएगी उसके भी थे। काम दोनों का एक ही था, एरिया अलग अलग था। तो इस नई काउंसिल के प्रधान डॉक्टर YS परमार चुने गए। मंडी के तेज सिंह निधड़क, बज्जी के लीला दास, बिलासपुर के सदाराम चंदेल जो है उप प्रधान बनाए गए, पंडित पदम देव महामंत्री, दौलत राम गुप्ता प्रचार मंत्री, सूरत राम प्रकाश जो है कोषाध्यक्ष, सेनू राम को कार्यालय मंत्री का जो कार्य सौंपा गया। 6 सदस्यों ने मिलकर ये जो है गठन किया गया, जो 16 में से 11 प्रेजेंट थे उसमें से 6 ने। इसके अतिरिक्त शिवानंद रमोल, साधुराम, नरसिंह दत्त, हीरापाल सिंह, गौरीनंद, देवीराम, चमनलाल, चिरंजीलाल वर्मा को काउंसिल की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल का जो पहला सम्मेलन 31 जुलाई 1947 को शिमला की पहाड़ी रियासत सांगरी में किया गया। तो जब जून में गठित हो गई सब रीजनल काउंसिल, मार्च में इनका शिमला में सम्मेलन था, फिर शिमला में हुआ, फिर सांगरी में इन्होंने सम्मेलन किया, और जिसमें YS परमार, पदम देव, सत्यदेव बुशहरी, सूरत राम प्रकाश, ठाकुर हरिदास आदि नेताओं ने जो है वो भाग लिया। इस सम्मेलन का आयोजन वहां की प्रजा मंडल के कार्यकर्ता चिरंजीलाल वर्मा ने किया। तो सांगरी के चिरंजीलाल वर्मा उन्होंने किया ये प्रजा मंडल के। सम्मेलन की सफलता को देख के सांगरी के राजा ने सांगरी छोड़कर परिवार सहित कुल्लू के अनी में वो चले गए। अगस्त 1947 में सिरमौर प्रजा मंडल ने नाहन में एक बड़ा सम्मेलन किया और इसके मुख्य आयोजक पंडित राजेंद्र दत्त, देवेंद्र सिंह, धर्मनारायण वकील, शिवानंद रमोल थे। इस सम्मेलन में सिरमौर के राजा ने भी भाग लिया, तो मतलब राजा को भी बुलाया गया। सम्मेलन में हिमालयन स्टेट सब रीजनल काउंसिल के अध्यक्ष YS परमार को सभापति बनाया गया और उन्होंने राष्ट्रीय झंडा जो है वो फहराया। नवंबर 1947 में YS परमार, पदम देव ने सुकेत रियासत के दौरे शुरू कर दिए। आपको पता ही है फरवरी में फिर 4 महीने बाद सुकेत सत्याग्रह किया गया। मंडी के रियासत की ओर से प्रजा मंडल में भाग लेने वाले बहुत ज्यादा जातियां की जाने लगी वहां के जो लोग थे, और कई कार्यकर्ताओं को तो जो थे वो गिरफ्तार भी किया गया। सुकेत रियासत की सरकार ने भी आंदोलन
कारियों को जो है वो दमन करना शुरू कर दिया। प्रजामंडल प्रधान रतन सिंह और कुछ साथी जो है वो भागकर शिमला पहुंचे और वहां से वो दिल्ली गए और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल को जो है उनसे मिलकर उनको सारी कहानी सुकेत जो में हो रहा था उसके बारे में बताई। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल के प्रधान वाई एस परमार भी जो थे सुकेत के लोगों के साथ, जो प्रजामंडल के थे जो दिल्ली में गए थे वो भी थे उनके साथ, और केंद्र नेताओं ने जो है वो मदद का आश्वासन भी दिया उनको। हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल गुट के अध्यक्ष डॉक्टर वाई एस परमार पहाड़ी रियासतों को भारतीय संघ में जो है वो विलय का प्रचार करते रहे। दूसरी ओर जो असली संस्था थी, मूल संस्था मतलब जिससे ये सब रीजनल काउंसिल बनी थी, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के सदस्य भी अपना काम जो है वो नियमित रूप से करते रहे। अगर आप ध्यान दें तो भागमल सौठा, सत्यदेव बुशहरी, हीरापाल सिंह, भास्करानंद, स्वामी पूर्णानंद और बाबू शिवदत्त, पंडित सीताराम, ठाकुर हरिदास, सूरत राम प्रकाश, देवी राम, तो सूरत राम प्रकाश आपको पता है ठियोग, स्वामी पूर्णानंद मंडी, सत्यदेव बुशहरी बुशहर और जुब्बल से भागमल, तो मुकुंद लाल प्रमाण, सदाराम नेकी, विरजानंद, चिरंजीलाल वर्मा जो है ये इसके जो थे वो मेंबर थे, जो पुरानी संस्था थी रीजनल काउंसिल 46 में जो बनी थी। इन लोगों ने 31 दिसंबर 1900 इन्होंने भी अपना सम्मेलन किया। इन लोगों ने 21 दिसंबर जो है 1947 को इस गुट का सम्मेलन भी सांगरी की राजधानी बड़ागांव में किया गया, सांगरी जहां से चिरंजीलाल वर्मा थे, और अध्यक्षता सत्यदेव बुशहरी ने की। इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया है जिसमें सभी पहाड़ी रास्तों को मिलाकर एक पहाड़ी प्रांत बनाने की मांग की गई। इस प्रजामंडल ने पहाड़ी राजाओं पर अपना बहुत दबाव बढ़ाया और मांग करने लगे कि वे अपनी रियासतों में उत्तरदायी सरकारें बनाए। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार के राज्य मंत्रालय की प्रजामंडल कार्यकर्ताओं के साथ सहानुभूति होने के कारण राजाओं ने भी नाजुक स्थिति देखकर अपनी रियासतों में उत्तरदायी सरकारें जो है एस्टैब्लिश करना जो है शुरू कर दी गई। तो ज्यादातर प्रतिनिधि सरकारें जो है वो आजादी के बाद बनी है। तो अब हम, ये तो हो गया हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल और सब रीजनल काउंसिल उसके बारे में, अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि सरकारें। तो अगर हम प्रतिनिधि सरकारों की बात करें तो कुनिहार के ठाकुर ने, कुनिहार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुनिहार के जो राणा उसने स्वयं ही लोगों को मतलब प्रजामंडल गठन के लिए वो किया था, प्रोत्साहित किया था कुनिहार प्रजामंडल राणा हरदेव सिंह ने। तो कुनिहार के ठाकुर ने इस आंदोलन की बहुत प्रशंसा की और अपने लोगों, राज्य के लोगों को प्रशासन में सम्मिलित किया। यह देखकर कुछ अन्य शासकों ने भी ऐसा ही किया। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर ठियोग रियासत के प्रजामंडल के नेताओं ने राणा करमचंद को सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ समय पश्चात राणा ने मंत्रिपरिषद में जो है घोषणा की, एक मंत्रिपरिषद बना दी उसने और जिसमें 13 लोगों को शामिल किया। महात्मा गांधी, सरदार पटेल ने भी इसके स्वागत किया कि भाई चलो राणा ने कम से कम लोगों की वो तो बनाई, लेकिन 5 ही महीने बाद उसने फिर खजाने पर कुछ लोगों की सहायता से कब्जा कर लिया। सरदार पटेल ने हस्तक्षेप करके पुलिस को भेजा ठियोग रियासत में और शासक को पकड़ के वहां से बाहर निकाल दिया गया। और ठियोग ऐसी पहली रियासत थी हिमाचल प्रदेश की जो भारतीय संघ में मिली। तो जितनी भी रियासतें थी उसमें सबसे पहली रियासत थी ठियोग, राणा करमचंद जो थे, और फिर आपको पता ही है सूरत राम प्रकाश को वहां पे सारी जिम्मेदारियां जो सौंपी गई। जब हम पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे ठियोग रियासत के बारे में। जुब्बल के राजा दिग्विजय चंद्र ने आने वाले समय को देखते हुए 8 सदस्यों की समिति बनाई, तो जुब्बल में भी शुरू हो गया। 5 सदस्य निर्वाचित थे, 3 मनोनीत थे। इनका कार्य लोगों की शिकायतें सुनना और उन्हें दूर करना था। बाद में एक प्रतिनिधि सरकार भी बना दी गई जिसके जो मुख्यमंत्री थे वो भागमल सौटा और जयलाल शकोली, वशीर चंद नेगी, बाबू दुलाराम भेजटा और कुंवर रघुवीर सिंह जो है वो मंत्री बनाए गए। तो भागमल सौटा की अध्यक्षता में जो है वो जुब्बल में बनी, वो पहले से ही वहां पे एक्टिव थे। यह मंत्रिमंडल 15 अप्रैल 1948 तक जो है वो कार्य करता रहा। उसके बाद तो फिर जब हिमाचल का गठन हुआ तो वो उसमें शामिल हो गए। कोटी के राणा ने 25 नवंबर 1947 को विधानसभा जो है वो स्थापित करने की घोषणा की। बुशहर में सत्यदेव बुशहरी ने मार्च 1947 में ही सत्याग्रह शुरू कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे कार्यकर्ता पकड़े गए और रियासत के कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया और कर्मचारी संघ भी बनाया। रियासत ने उनकी मांग मान ली और 18 अप्रैल 1947 को एक प्रतिनिधि सभा की बात को जो स्वीकार कर लिया। अक्टूबर 1947 को चुनाव हुए और प्रजामंडल ने सत्यदेव बुशहरी को जो है वो चुनाव में जो है वो विजय प्राप्त हुई। कहने का मतलब है बुशहर में सत्यदेव बुशहरी, जुब्बल में भागमल सौठा। तो जो प्रतिनिधि सरकारें बनी तो उनकी अध्यक्षता भी इन्हीं लोगों ने की। स्वतंत्रता
प्राप्ति के पश्चात कुछ लोगों ने मांग की कि पहाड़ी रियासतों को पूर्वी पंजाब में जो है पेप्सू में मिला दिया जाए। पटियाला वाले जो थी पूर्वी पंजाब के जो गवर्नर थे उस टाइम चंदूलाल त्रिवेदी और मुख्यमंत्री जो तो गोपी चंद भार्गव ने भी जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखा कि पहाड़ी रियासतों को जो है वो पूर्वी जो पंजाब है पेप्सू उसमें मिला दिया जाए। पंजाब अलग था और पूर्वी पंजाब जो है पेप्सू वो अलग था, परंतु इन रियासतों के राजाओं तथा लोगों ने इसका डटकर विरोध किया। जो हिमाचल की रियासतें थी इन राजाओं और प्रजामंडल के लोगों का कहना था कि जो हम लोगों की जो भाषा संस्कृति सामाजिक व्यवहार जो है वो पंजाब के लोगों से बिल्कुल अलग है। यही बात जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी ने भी पंजाब के गवर्नर और गोपी चंद भार्गव के पत्र के उत्तर में लिखी। मतलब जो उन लोगों ने कहा था वहां के गवर्नर और मुख्यमंत्री ने कि भाई इनको मिला दिया जाए, तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा कि इनको अलग ही रखना बेहतर होगा क्योंकि इनकी भाषा संस्कृति सब अलग है। तो इसलिए शिमला की पहाड़ी रियासतों के राजा जनवरी 1948 में प्रथम सप्ताह में दिल्ली में इकट्ठा हुए और आगे का कार्यक्रम बनाया। बैठक में इन राजाओं ने प्रस्ताव पारित किया कि पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि लोगों की भावना और भलाई को ध्यान में रखते हुए शिमला की सभी पहाड़ी रियासतों को एक संघ के रूप में संगठित किया जाए। इसलिए सभी रियासतों को संदेश भेजे गए कि वे अपने अपने प्रतिनिधि चुनकर 26 जनवरी 1948 तक सोलन भेजे ताकि संविधान बनाने की वाली समिति का जो बैठक होनी है उसमें भाग ले सकें। तो आपको याद भी होगा सोलन सम्मेलन हुआ था जहां पे हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था इस अवधि और बगाड के राजा जो थे वो दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में। तो इस अवधि में बगाड के राजा दुर्गा सिंह, मंडी के राजा जोगेंद्र सिंह दिल्ली में थे। वे दोनों महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि वे प्रजामंडल और राजाओं के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर अपने भविष्य के बारे में फैसला करें। तो इसके साथ ही ये जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है ये खत्म हो जाता है। अगले वीडियो में हम जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।